कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विजयनगर में 1 नवंबर को 70वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पेंशनर्स और पूर्व कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1 नवंबर को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के आसपास के 16 जिलों के नियोक्ताओं एवं भविष्य निधि सदस्यों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 70वें स्थापना दिवस पर विजयनगर स्थित कार्यालय में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ रहेंगी, साथ ही हम उस कार्यक्रम में अपने EPS के पेंशनर, जो सबसे पुराने पेंशनर हैं, ओल्ड एज, उनका सम्मान करेंगे और EPFO के रिटायर्ड एम्प्लॉई, उनका भी उस कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। साथ ही हम इस कार्यक्रम में अपने सर्वश्रेष्ठ अकाउंट ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करके उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर हमने कैंट्स बोर्ड के CEO श्री अभिमन्यु सिंह को आमंत्रित किया है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय समिति EPF के नियोक्ता प्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि EPFO ने अपने पिछले 7 दशकों की सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा है और उसके लिए अपने सभी हितधारक सर्वोपरि हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि जबलपुर जिले में 18,914 स्थापनाएं और 8,50,241 मेंबर व्याप्त हैं तथा 63,024 पेंशनर हैं। पेंशनरों के खाते में प्रत्येक माह की 1 तारीख को पेंशन राशि जमा कर दी जाती है।